स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 10 नवंबर, सी 16 सितंबर, डी 23 जनवरी। आंसर सी 16 सितंबर। एक्सप्लेनेशन, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संकल्प 49/114 पर हस्ताक्षर की तिथि की याद में मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कई रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, सरकार ने SSC को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी है? ए परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए, बी तेजी से परिणाम घोषणा सुनिश्चित करने के लिए, सी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाना, डी परीक्षा शुल्क कम करना। आंसर ए परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए। एक्सप्लेनेशन, कार्मिक मंत्रालय की ओर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है, ताकि अभ्यर्थी अपनी गलत पहचान न बताएं या SSC और UPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए धोखाधड़ी न करें। अगला प्रश्न, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ए स्मृति ईरानी, बी आतिशी मालिना, सी सुनीता केजरीवाल, डी बांसुरी स्वराज। आंसर बी आतिशी मालिना। एक्सप्लेनेशन, आम आदमी पार्टी आपने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री होंगी। अगला प्रश्न, PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में ₹10,000 सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी आगरा। आंसर सी अयोध्या। एक्सप्लेनेशन, रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। इस साल के पहले 6 महीनों में अयोध्या में 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक आए। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले 6 महीनों के दौरान लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया।